सतरंग द्वारा आयोजित लोक उत्सव कार्यक्रम की संचालन कर रहे हमारे पिता तुल्य श्रीमान अनिल पतंग जी मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद के पूर्व माननीय सदस्य जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष और हमारे साथी अभिनेता श्रीमान भूमिपाल राय जी मंच पे उपस्थित अभिभावक श्रीमान भगवान प्रसाद सिंह जी मंच पे उपस्थित वीडियो साहब रविशंकर जी मुकेश बाबू राम कुमार जी और दर्शक दीर्घा में तकरीबन सबों को मैं देख रहा हूँ। सुंदरम जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, हमारे साथी अभिनेता है भूमिपाल जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, अमरिंद्र बाबू शिक्षक नेता अभिभावक को मैं देख रहा हूँ, चौरसिया जी हमारे अभिभावक बड़े भाई महंत जी हमारे साथ है, सागर सिन्हा जी चर्चित फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ है, अरविंद पासवान जी विदेशी शर्मा जी और जो शख्सियतें हमारे सामने कला संस्कृति बेगूसराय से जुड़ी हुई पप्पू जी को भी मैं देख पा रहा हूँ और संगीता जी भी मुझे देख पा रही है और मंच पे बहुत शानदार और उम्दा परफॉर्मेंस सभी किशोरी जी ने दिया। हम लोग बहुत चर्चित जिला ही नहीं बिहार लेवल की चर्चित गायिका हैं, हम लोग बहुत वर्षों बरस से सुनते आ रहे हैं। मंच पे हमारी साथी अभिनेत्री दो तीन फिल्मों में हम लोगों ने साथ में काम किया, ढोली भी को मैं देख पा रहा हूँ और लक्ष्मी जी ने बड़ा ही शानदार भूमिपाल जी से हमारे संयोग से एक सप्ताह पहले बात हो रही थी, भूमिपाल जी ने बताया नाम तो सुना था लेकिन सहयोग और हम अपने दुर्भाग्य से इनका गाना मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन तुरंत ही दो तीन दिन के बाद ही बिहार महोत्सव में हमें लक्ष्मी जी को सुनने का अवसर मिल गया। चूंकि कार्यक्रम हमारे पिता तुल्य अनिल पतंग जी का है और मुझे याद आता है जब मैं मंसूरचक में पढ़ता था मंसूरचक हाई स्कूल में तो इनके एक भाई थे, वो मंसूरचक हाई स्कूल में शिक्षक थे, लाल शरण बाबू थे, बागी कहीं वो स्वर्गीय हो गए, बागी में ही था, तो उनसे मिलने ये जाया करते थे और मैं बचपन से ही चौथा पचवा में या छठा में होंगे हम तो मुझे महाभारत उस समय आया करता था तो उसके डायलॉग बोलने की हमारी उस नकल प्रवृत्ति हमारी थी, तो जब भी कोई आते थे तो हमारे पापा मंच पर बैठे हुए हैं वासुकी बाबू भगवाड़ा से एचएम से रिटायर किए, तो जो कलाकार आते थे तो हमको बुला के उसके सामने बोलते थे कि तुमको डायलॉग सुना तो समझेंगे कलाकार है, तो मुझे फिर वो तो 20-25 वर्ष हो गए तो सर जब भी जाते थे अपने लाल शरण बाबू से मिलने के लिए तो 10-12 साल हमारी उम्र रही होगी उसी समय से सर जब भी जाते थे तब पापा हमको बुलाते थे कि इनके सामने डायलॉग बोलो, देखो बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बिहार लेवल को देश लेवल पर इनका नाम है और हम इनके सामने महाभारत बैठे आगे बढ़ाए हैं कि वो हमारा डायलॉग का लड़का था, मधुबनी के दो लड़के थे उसमें पूरे भारत वर्ष से वहाँ लोग इंटरव्यू देके और फिर करते थे, तो मधुबनी का दो लड़का था पूरा खाटी रंग कर्म का, तो वो बहुत सारा रंगमंच भारतीय रंगमंच का इतिहास और ये सब उसमें 4-5 किताबें इनकी रंग अभियान की किताब वो रखा हुआ था और हम उस समय मंसूरचक से सीधा हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, फिर मंडी चले गए, बेगूसराय में हमारा कम ही आना जाना होता था ना के बराबर ही, तो बेगूसराय की गतिविधियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, वहां हमने इनके द्वारा और वो किताब हमने जब देखा वो उसने दिखा कि ये जानते ही इनको, तो हमें याद आ गया कि हाँ हम तो बच्चे से इनको देख रहे हैं, अनिल पतंग जी हैं हमारे बहुत पारिवारिक हैं और हमारे अभिभावक हैं, ये अलग बात है कि हम बहुत 10-12 साल पहले की बात है, तो वो किताब और पूरा उन मधुबनी का लड़का हमारे अनिल पतंग जी के बारे में पूरा बैठा, इनके साथ हमने वर्कशॉप किया, एनएसडी का किया, ये किया वो किया, पूरी चर्चा की, आप सोचिए कितना गर्व का विषय है। बाद के दिनों में मुझे पता लगा कि अब जो हो सकता है कि हमारे लिए चूंकि सहज उपलब्धता है तो पतंग जी है, लेकिन पूरे भारत लेवल पर अगर किसी रंगकर्मी का नाम है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कटक से लेकर कटक तक तो बेगूसराय के अनिल पतंग जी का नाम है और हम सब इन पे गौरवान्वित होते हैं और हम ये कहते हुए फख्र महसूस करते हैं कि हम अनिल
उन्होंने हमें सिखाया है, संस्कृति विरासत में दी है। और निश्चित रूप से कल संकल्प से मैं बकरी में था, हमारी एक फिल्म लव यू दुल्हन का एक गाना रिलीज होने वाला था, तो एक बहुत पुराने कलाकार मिले, राजवल्लभ राठौर नाम था, वो मिले, तो वो बड़ा हमसे मिले और इतना उत्साहित होके, अरे आपका बहुत नाम सुने हैं आप, बेगूसराय की ये है वो जो भी होता है। हमने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, आपने जो 20-25 वर्षों का संघर्ष किया और जहां तक गाड़ी को पहुंचाई, आपकी विरासत हमें मिली और वहां से हमने शुरुआत की, तो आपकी आपका वो जस्टिफिकेशन उसका नहीं हुआ, तो वो करने का मजा नहीं है। जो आपका एक नाम बना हुआ है और आप गलत कैरेक्टर चुनाव कर लेंगे तो ऑडियंस आपको गाली ही देंगे, ताली नहीं मिलेगी। तो सर ने कहा तो, और कैरेक्टर भी अच्छा था, तो संयोग से फिल्म में भी हमें काम करने का अवसर मिला। आप सबने देखा भी होगा 70-75 दिनों तक बेगूसराय में चली भी वो फिल्म। तो और ये एक बात जो सर ने बताई कि आज कितने नए नए कलाकार जो आगे बढ़ेंगे, ये बड़ी चीज है कि हम अपनी बाद की पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। आज मैं मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा, और इसमें भूमिपाल जी सरीखे जो कुछ लोग हैं उन सबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मंच से आपको बताते हुए बड़ा प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में बेगूसराय जिला ही एकमात्र ऐसा जिला होगा कि हर एक गांव में एक आध फिल्म एक्टर जरूर मिल जाएंगे। पूरे देश में ऐसा कोई जिला नहीं होगा, मैं तवे के साथ कह सकता हूँ। मुझे भी 15 साल मुंबई में संघर्ष करने का काम करने का अनुभव है। पूरे देश में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जितना फिल्म एक्टर बेगूसराय में आज की तारीख में, और आने वाले समय में जब मुंबई से बेगूसराय आकर लोग संघर्ष करने लगेंगे तब हमारा संकल्प सार्थक होगा। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ बेगूसराय में, और वो दिन होगा, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबों की शुभकामनाओं से वो दिन होगा, और पूरे भारत वर्ष के नक्शे पर बेगूसराय फिल्म निर्माण के क्षेत्र में दशा और दिशा तय करेगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। बहनों भाइयों, आप सबका सहयोग, समर्थन और शुभकामनाएं बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नवोदित जो कलाकार आज इस मंच से प्रस्तुति दे रहे हैं उनको तो विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज हो सकता है वो एक नई जिंदगी में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो मायने बदल गए हैं। आप अगर कला संस्कृति, हर एक व्यक्ति में ईश्वर ने एक गुण दिया है, एक अलौकिक गुण दिया है, पूरे संसार में जितने व्यक्ति हैं उनको एक गुण है, बस आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है कि आप किस विधा में आगे बढ़ सकते हैं, कोई बजाने में, कोई गाने में, कोई एक्टिंग में या अलग। तो आज जो यहाँ तक मंच तक पहुंचे वो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रगल था, अगर उनमें आगे बढ़ने की क्षमता होगी, अगर जज्बा होगा, तो वो अभी से एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चे आगे बढ़े और आने वाले समय में बेगूसराय का नाम रोशन करें। तब हमें लगता है कि नवतरंग के आयोजित इस लोकोत्सव में निश्चित रूप से 4 चांद लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों, हमें मंच पर बुलाया इसके लिए। सुनी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबों को